नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जरेनियम के पौधे की केयर किस प्रकार से की जाती है और जरेनियम के पौधे से ज़्यादा फूल हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं, जरेनियम का पौधा रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इस पर सुंदर फूल आए हुए हैं। तो यदि दोस्तों आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मैं शुरुआत किए देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि हमारे जो फूल वाले जितने भी पौधे होते हैं उन्हें धूप ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, गर्मियों का मौसम हल्का हल्का आता जा रहा है। तो हमारे पौधों को जो कि सर्दियों में भी धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें ये फूल सनलाइट में रखने हैं ताकि हमारे पौधे पर नई नई ग्रोथ शुरुआत हो और पौधे पर फूल ज़्यादा आए। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी सॉइल की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इनकी यहाँ पर जो सॉइल रखी हुई है ये नॉर्मल सॉइल है। तो हमें इस प्रकार से इस तरह की सॉइल रखनी है अपने पौधे की, ताकि अच्छी तरीके से हमारे पौधा अच्छे से ग्रो करता रहे। मैं अपने पौधे में ओवर वाटरिंग करनी नहीं है। यदि ओवर वाटरिंग हो जाए तो उसमें को जैसे कि आप पॉट देख पा रहे हैं यानी गमला, तो इसके अंदर होल होना चाहिए ताकि जो ओवर वाटरिंग का पानी अच्छे से निकल सके। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस पौधे के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, देखने में भी बहुत प्यारा पौधा लगता है। फिर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जरेनियम के पौधे की आप कटिंग्स भी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जरेनियम के पौधे की कटिंग्स अभी आप लगाना चाहते हैं तो अब भी ये कटिंग्स इनकी लग जाएंगी। तो इसके भी अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमें इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र देने होंगे ताकि हमारे पौधे पर लंबे समय तक पौधे पर फूल बने रहें। तो वो किस तरह के फर्टिलाइज़र हमें देने होंगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि इस तरह की जो पत्तियाँ हो जाती हैं, ये पत्तियाँ नीचे से ख़राब हो जाती हैं, तो हमें इन पत्तियों को पौधे से बिल्कुल हटा देना होगा ताकि हमारे पौधे पर गंदगी ना फैले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पत्तियों को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नई एक ग्रोथ हुई है। तो और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये नई नई ग्रोथ्स हुई हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 8 इंची का मैंने यहाँ पर पॉट लिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई किए देता हूँ। तो दोस्तों हमें गुड़ाई करते समय अपने पौधे का खास ध्यान रखना है, कहीं हमसे गलती से भी पौधा कट ना जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं मैंने एक टूल लिया हुआ है, तो इस टूल की मदद से मैं अच्छी तरीके से इस पौधे की करीबन 1-1 इंच गहरी गुड़ाई करनी होगी हमें। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं ये मैंने अच्छे से गुड़ाई में किए देता हूँ इस पौधे की, ताकि इसमें फर्टिलाइज़र देने योग्य इसकी मिट्टी बन जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दी है। और यहाँ पर देखना, आपको बताना चाहूँगा मैं गुड़ाई करने के बाद में मैं आप लोगों को इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि इसकी सॉइल यानी मिट्टी कुछ इस तरह की है। तो हमें दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी हम अपने पौधे में पानी डालें या सुबह या शाम को ही डालेंगे तभी हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो कौन से फर्टिलाइजर हैं जो हमें अपने पौधे में दे रहे हैं? तो यहाँ पर मैंने ये वर्मी कंपोस्ट खाद लिया हुआ है, ये इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे अवश्य अपने पौधे में। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बनाना पील फर्टिलाइज़र लिया हुआ है, ये मैंने पहले बनाना बताया हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया जाता है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ पर जो वर्मी कंपोस्ट खाद लिया हुआ है वो मैंने 20 ग्राम लिया हुआ है। यदि आपके पास 2 या 4 या कई पौधे हैं तो आप 20 ग्राम के हिसाब से, या छोटा पॉट है तो आप ले सकते हैं, यदि आपके पास बड़ा पॉट है तो आप उसमें 30 ग्राम भी डाल सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आपके पौधे पर अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो मिट्टी है मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ताकि इसका जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसके अंदर मैं अच्छी तरीके से मिला सकूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने अच्छी तरीके से इस पौधे की मिट्टी को बाहर निकाल लिया है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसकी मिट्टी जो मैंने मिक्स करके जो
इसमें जो वर्मी कंपोस्ट खाद में इसे फिर भरे देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चलिए दोस्तों मैं फिर इसे भरे देता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी देखिए, मैंने अच्छे से इसे भर दिया है। हल्के हाथ से हमें फिर इसे दबा देना होगा ताकि हम अच्छी तरीके से इसमें जब इसमें पानी डालें तो बाहर ना निकल पाए इसकी मिट्टी और जो फर्टिलाइज़र हमने इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा जो बनाना पील फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको अभी बताया, तो मैं इसे भी डाल देता हूँ। ये पौधे के लिए ये भी ज़रूरी है। तो आप इन दोनों फर्टिलाइज़रों को डालेंगे तभी हमारे पौधे पर नई नई ग्रोथ शुरुआत होगी और पौधे पर फूल आते रहेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें से पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्यथा वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।